दुर्ग के सीजी प्राइड रेस्टोरेंट में बीते रात पुलिस के परिस छापा, 3 महिला समेत 12 लोगन ला हुक्का पियत करे गिस गिरफ्तार। रेस्टोरेंट के मालिक हरीश तरेजा और मैनेजर शेख मोहसिन घलो गिरफ्तार। बस्तर भानपुरी थाना क्षेत्र में शादी के मंडप में बैठे दुल्हा दुल्हन ऊपर एसिड अटैक के हुई खुलासा। बॉयफ्रेंड के बेवफाई ले नाराज दुल्हा के प्रेमिका है दुल्हा दुल्हन ऊपर फेंकी तेजाब, आरोपी युवती हुई गिरफ्तार। रायपुर में कुछ स्पा सेंटर और होटल में पुलिस के परिस रेड। स्पा सेंटर और होटल के आड़ में चलत रही सेक्स रैकेट, पूरा मामला में 6 युवक गिरफ्तार। बतौर मैनेजर देह व्यापार के काम करैया एक युवती गिरफ्तार। रायपुर भाठा गांव फिल्टर प्लांट करना रिंग रोड में तेज रफ्तार कार है ऑटो लमारिस भीषण टक्कर। बस ले उतरे यात्री ला रौंदत रेलिंग तोड़ फिल्टर प्लांट में जा घुसिस गाड़ी। नशा में धुत कार चालक ला पुलिस करिस गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में बीते दिन के अपेक्षा कोरोना संक्रमण के मामला में कमी। बीते 24 घंटा में मिली 132 मरीज, जबकि एक्टिव मरीज के संख्या हुई 3083, उन्हें एक मरीज के हुई मौत। मध्य प्रदेश के बालाघाट कदला जंगल में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए महिला नक्सली मन के कबीर धाम ले रही कनेक्शन। एनकाउंटर के बाद अलर्ट मोड में है पुलिस। मारे गए दोनों नक्सली सरिता और सुनीता ऊपर 14-14 लाख के रही इनाम। जैन कबीर धाम और राजनांद गांव में रही सक्रिय। कोरबा में युवक ने कुचली वन विभाग के लकड़ी से लोड ट्रक चपेट में आए ले बाइक सवार के मौका में हुई मौत। मृतक के अब तक नहीं हो पाए शिनाख्त। पास रखे बैग में मिली लगभग 30,000 रुपया। जांच में जुटी सरजगा मार पुलिस। अंबिकापुर गांधीनगर थाना क्षेत्र के अग्रवाल पेट्रोल पंप में 4 बदमाश मन लाठी डंडा ले चाचा भतीजा के जम के करी पिटाई। ऑफिस में तोड़ फोड़ कर काउंटर में रखे 2 लाख रुपया लेके हुई फरार। छत्तीसगढ़ में आगामी 2 दिन में पूरा प्रदेश में अंधड़, बारिश और बिजली के जताए गए आशंका। दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्सा रही प्रभावित। बादल, बारिश, बिजली और अंधड़ के ही संभावना।